गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तुलसीराम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद तुलसी पर फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड और फोंट दोनों के अंदर जो भी ऑप्शन आएंगे सबको आज डिस्क्राइब करके एक एक को समझेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करना है अपन को एम एस एक्सेल स्टार्ट कर लिया। इसके अंदर देखो आज अपन सीखेंगे कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, चार चीज तो इसके अंदर आएंगी क्लिपबोर्ड के अंदर, और फॉन्ट के अंदर सीखेंगे बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, टेबल बॉर्डर करना, कलर देना, ये चीज इसके अंदर आएगी। तो मैं देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ मैंने डाल दिया नेम, यहाँ मैंने डाल दिया एड्रेस, और यहाँ मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर, ठीक है। जैसे मैंने नेम डाल दिया यहाँ तुलसी, एड्रेस डाल दिया जयपुर, मोबाइल नंबर डाल दिए, ठीक है। दूसरा ले सकते हो, दूसरा ले लेना। तो अब क्या करेंगे अपन, मैं बताना चाह रहा हूं कट, यहां देखो कट, कट का मतलब होता है कि अपन किसी चीज को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर उसको ले जाए, और कॉपी का मतलब होता है कि एक चीज वहां भी रहेगी और दूसरे स्थान पर भी चल जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की होती है कट की कंट्रोल प्लस एक्स। क्या होती है शॉर्टकट की इसकी, कंट्रोल प्लस एक्स। देखो जैसे तुलसी राम है, तुलसी इसको किया कट, सेलेक्ट किया और यहाँ कट आ रहा है, कट पे क्लिक किया और जैसे यहाँ लाया छेपे और यहाँ लाके पेस्ट किया, तो ये चीज यहाँ से हटकर दूसरे स्थान पर आ गई। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज को ले जाने के लिए अपन कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कट ऑप्शन हो गया अपना। अब नहीं चाह रहा है कॉपी, कॉपी कॉपी की देखो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी, CTRL प्लस सी, ये होती है कॉपी के लिए। कॉपी का मतलब होता है कि अपन किसी चीज को दो या एक से, या एक से ज्यादा जगह पर अपन उसको रख सके। जैसे यहाँ तुलसी है, इसको किया मैंने कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, तो ये चीज अपनी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी एक से ज्यादा इस स्थान पर भी रहेगी और दूसरे स्थान पर जहाँ पर लेना जाना चाहेंगे वहाँ भी चली जाएगी। फिर इसको दोबारा कॉपी किया, फिर यहाँ लाके फिर पेस्ट कर दिया। ऐसे कॉपी पेस्ट करके अपन एक ही प्रति की कई प्रति बना सकते हैं। कट के अंदर एक स्थान से वो यहाँ से मूव कर जाएगी और दूसरे स्थान पर चल जाएगी। अगर पेस्ट करना है अपन को तो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी होती है, सब जानते हैं ऐसे तो बच्चे अच्छे हैं, कंट्रोल प्लस वी। तो इसके अंदर एक चीज आती है फॉर्मेट पेंटर, जानते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, उससे फॉर्मेट पेंटर से अपन क्या कर सकते हैं पता है आपको, पता नहीं है। देखो ऐसे तुलसी राम है, इसका मैं बड़ा कर लेता हूँ, सेल बड़ा किया इसका मैंने, ठीक है, इसको इधर से भी बड़ा किया, इसकी मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, साइज बढ़ गई इसकी, इसकी साइज कर ली मैंने इतनी, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड डाल दिया ये, और इसका टेस्ट कलर कर दिया ये, इसकी फॉन्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दी ये कर दी, ठीक है। जस्ट मैंने नीचे टाइप किया है सोनू, सोनू मान लो, ठीक है, जेमन टाइप कर दिया, जितेंद्र, ठीक है।
अब मेरे को सेम यही फॉन्ट स्टाइल, यही कलर, यही साइज इसके ऊपर अप्लाई करनी है, तो कॉपी पेस्ट करूँगा तो कॉपी पेस्ट में तो फुल सी कॉपी होगा, जैसे मैं कॉपी किया कंट्रोल सी और यहाँ ला के पेस्ट किया कंट्रोल वी, तो फुल सी आ रहा है, लेकिन मेरे को इसका नाम नहीं चाहिए, इसकी फॉन्ट स्टाइल साइज कलर वो चाहिए, तो क्या करूँगा इस पे जाके फॉर्मेट पेंटर आ रहा है इस पे क्लिक करूंगा, और जैसे सोनू पे करना है तो सोनू पे कर दूंगा, और फिर वापस फॉरवर्ड पेंटर पे गया, और जितेंद्र पे करना है तो जितेंद्र पे कर दूंगा। ये देखो तुलसी, सोनू, जितेंद्र सबकी फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर सब सेम आ गया, विश्वास नहीं है। यहाँ भी 48 आ रहा है सोनू का भी, तुलसी का देखो तुलसी का 48 आ रहा है, कलर सबका सेम आ रहा है। ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी प्लस सी कॉपी के लिए, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर देना, पेस्ट करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी, ठीक है। अब अपना ये तो करीब पूरा हो गया, कट करना हो गया, कॉपी करना हो गया, फॉर्मेट पेंट हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ वापस से, कट का प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं, कॉपी का प्रयोग एक और चीज को दो तीन बार रिपीट करने के लिए करते हैं, और पेस्ट जहाँ भी कट होगा वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी करेंगे तभी पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर होता है कि अक्सर की स्टाइल, डिजाइन, उसकी बनावट, उसको कॉपी करके दूसरे अक्सर पे अप्लाई करना, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अगला अपना पॉइंट, अगला अपना पॉइंट है, अब अगला पॉइंट है, जैसे मैंने अगली शीट पर ले लेता हूँ, है ना, शीट 4 पर ले लिया, मैं अभी लिखा नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एक ही चीज करेंगे आराम आराम से, जैसे नेम है यहाँ तुलसी ले लेता हूँ, एड्रेस वही जयपुर, अमित विजय, ठीक है, VIJAY, ठीक है, एड्रेस टॉप, जैसे मेरे पास इस चीज हो गई। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फॉन्ट, अगर मेरे को इस पे बॉर्डर करनी है, टेबल बनानी है, जैसे ऐसे टेबल बनानी है, तो सेलेक्ट किया इसको, जितना बनानी है उतना सेलेक्ट करना है, और यहाँ टेबल का ऑप्शन आ रहा है, इस पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, तो अपनी एक टेबल बन चुकी है, ठीक है। अगर अपन को अब दूसरा काम क्या है, ये तो होगी टेबल बॉर्डर, अब अपना दूसरा काम क्या है, जैसे मेरे को ये हेडिंग के ऊपर कलर देना है, सेलेक्ट करनी है हेडिंग को, जिसको जो काम करना है सेलेक्ट करना है, अगर बैकग्राउंड कलर देना है अपन को तो बैकग्राउंड कलर देंगे इसे जाके बैकग्राउंड कलर, और दूसरा कलर देना हो तो दूसरा कलर भी यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अगर अपन को अक्षरों के ऊपर कलर देना है यहाँ से, तो सेलेक्ट करनी है इसको ओनली, तो सेलेक्ट करके यहाँ फॉन्ट कलर है, एक तो होता है फॉन्ट कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर, अपन फॉन्ट कलर चेंज कर देना है यहाँ से, दूसरा करना है यहाँ से जो अच्छा लगे, सूटेबल लगे वो अपन यहाँ से कर देना है, ठीक है। अगर अब देखो, अभी इसकी साइज कम आ रही है अपन की, हेडिंग की है इसकी साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो यहाँ लिस्ट बॉक्स से बढ़ा लो जितना बढ़ाना चाहो, दूसरा तरीका यह है कि अपन लिस्ट बॉक्स से ना बढ़ा के ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जैसे जो लिस्ट में है ना, जैसे 20 आ रहा है, 20 के बाद 22 करना है तो इस पे दबाओ, 20 के बाद 22 होगा, जो लिस्ट में संख्या है उस संख्या से आगे इंक्रीमेंट करेगा, अगर डी इंक्रीमेंट करना है, घटाना है लिस्ट में से, तो उसको दबा करोगे घटा करेगा,
यानी ये बढ़ाने का है और ये घटाने का है। अगर ऐसे नहीं करना है, अपन को ज्यादा डालनी है तो सेलेक्ट करना है, जैसे 100 डालनी है 100 कर दिया, ये ऐसे अपन को 10 करनी है तो 10 कर दिया। अपन अपने हिसाब से साइज यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 11 होती है, ठीक है, ये पता होगा आप सबको, 20 कर दिया मैंने। अगर अपन को इसकी चेंज करनी है, अपन को इसकी स्टाइल जो आ रही है सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करने बाद जैसे कैलिबर आ रही है ना, तो इसको चेंज कर देना। देखो डिजाइन चेंज होगी अक्सर होगी, ठीक है। अगर अब आपको लग रहा है कि यार ये अक्सर थोड़े हल्के हल्के दिख रहे हैं, तो क्यों ना इनको गहरा कर दिया जाए। तो सेलेक्ट किया और इनको बी आ रहा है, बी पे दबा दिया। देखो बी यानी होता है बोल्ड, बी यानी क्या होता है बोल्ड, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल CTRL होता है, कंट्रोल प्लस बी, ये होती है बोल्ड की शॉर्टकट की। अब ग्यारह तो हो गए, लेकिन लग रहा है कि थोड़ा सा इस पर डिजाइन मार दे। जो मैं जैसे मोबाइल नंबर है इसको करता हूँ सेलेक्ट करने बाद इटैलिक, देखो तिरछा हो गया, तिरछा होने का मतलब होता है इटैलिक, इटैलिक ITLIC, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई, और लास्ट में आ रहा है अंडरलाइन। जैसे नेम के नीचे अंडरलाइन करनी है, सेलेक्ट किया नेम को और अंडरलाइन पे क्लिक कर दिया। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू, इसको बोलते हैं अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना, इसकी होती है कंट्रोल प्लस यू, CTRL कंट्रोल प्लस यू। एक होती है डबल अंडरलाइन कर सकते हैं अपन, सेलेक्ट किया इसको और अंडरलाइन के नीचे आ रही है डबल अंडरलाइन, ये डबल अंडरलाइन हो गई। इसकी शॉर्टकट की होती है डबल अंडरलाइन की, DU DLE अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी, क्या होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ये होती है इसकी शॉर्टकट की, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है, इनको याद कर लेना, ये बहुत काम की चीज होती है, हमेशा शॉर्टकट की बहुत काम आती है। मैंने इनको बोल्ड कर दिया, इनको इटैलिक कर दिया, इनको अंडरलाइन करने वाले अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन अच्छा नहीं लगेगा। इनके ऊपर टेबल बनानी हो तो टेबल में चारों तरफ बॉट आ जाएगी, ठीक है। जितना सेलेक्ट करेंगे अपना काम उतना ही होगा। तो अपना आज मैंने इस वीडियो में बताया आपको, कट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट पेंट करना, किसी टेक्स्ट की साइज चेंज करना, उसके इंक्रीमेंट करना, डी इंक्रीमेंट करना, उसका कलर का अक्षर चेंज करना, उसके बैकग्राउंड में कलर डालना, उसमें टेबल बनाना, अंडरलाइन करना, तिरछा करना और गहरा करना। तो गाइस आप ये बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आज से प्रत्येक दिन स्टेप बाय स्टेप MS Excel की कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपका साथ रहा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।